Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel, Yes You Can, Divya Mishra. So in this video, we are going to study the difference between the arteries and veins. So before starting the difference between the arteries and vein, you should understand ki what is artery and what is vein. See, सबसे पहले हमारा जो ये heart है, दो चीज होनी है. एक body part से deoxygenated blood heart तक जाना चाहिए ताकि यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन हो जाए. और फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आना है? बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि हर बॉडी पार्ट में जो हर एक एक सेल है वहाँ तक आपको ऑक्सीजन पहुँचाना है ताकि वहाँ पे जो खाना है उसका ब्रेकडाउन हो सके और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करोगे. और सेकेंडरी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो फिर क्या होगा, फिर ब्लड के थ्रू हार्ट तक पहुँचेगा. ठीक है, तो हम समझते हैं कि बॉडी पार्ट से हार्ट तक कौन सी ट्यूब लेके जाती है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन लेके जाती है? वेन्स लेके जाती हैं. ठीक है, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्यूरिफाइड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, वो हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती है? आर्टरी करती है. ठीक है, तो हमेशा कह सकते हैं कि आर्टरी विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अंडरस्टूड माई पॉइंट? कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? देखो, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचता है तो उसे देखो, ब्लड इज, हार्ट इज नॉट अ प्यूरिफिकेशन सेंटर. हमारी बॉडी में जो प्यूरिफिकेशन सेंटर है वो कौन है? लंग्स है. तो ब्लड को कहाँ जाना है? लंग्स तक जाना है प्यूरिफाई होने के लिए. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आर्टरी होती है वो हमेशा ब्लड को दूर लेके जाती है, कहाँ से? हार्ट से. ऑलवेज कैरी ब्लड, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट. ब्लड क्या करेगी? हमेशा आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है. ठीक है, तो ये ब्लड आर्टरी अभी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचे तो इसे प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा? लंग्स तक जाना होगा. तो वहां पे भी क्या हो रहा है, वो आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है. तो इसीलिए वो क्या हुई? एक आर्टरी हुई. तो सिर्फ एक वो ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है. इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी. जब आप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक जाता है. और हर वो ट्यूब जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगी हम उसे आर्टरी बोलेंगे. और इसे पल्मोनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है. जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डील करते हैं हम उन डॉक्टर्स को बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, और उसी से ये पल्मोनरी वर्ड डिराइव हुआ है. ठीक है, अब समझो. अब हमें समझ में आ गया कि हार्ट से ब्लड हमेशा आर्टरी दूर लेके जाएगी. क्यों? जब देखो, जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये जो हमारा हार्ट होता है इस तरीके से, इसका जो ये वाला चैम्बर है, दिस वन लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. ये राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं. तो क्या, जब इसको इस पर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं तो उस प्रेशर की वजह से हार्ट कहाँ चला जाता है? एओर्टा में चला जाता है, एओर्टा में चला जाता है. ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है हमेशा आर्टरी में, क्योंकि इसे ब्लड क्या करना है? हर एक बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है. और सुनो, प्रेशर अगर हाई होगा तो क्या वॉल्व का कुछ रोल प्ले होगा यहाँ पे? वॉल्व्स का काम करती हैं, वॉल्व्स करती हैं बैक फ्लो को प्रिवेंट. वॉल्व्स ऑलवेज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. जब अगर प्रेशर कोई चीज़ में हाई प्रेशर से फेंक रही हूँ तो क्या वो चीज़ बैक आएगी? नहीं आएगी. तो यहाँ पे वॉल्व्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वॉल्व्स. प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी वॉल्स कैसी रहेंगी? थिक रहेंगी, ताकि वो हाई प्रेशर को होल्ड कर सके. तो इसकी वॉल्स होती हैं कैसी? थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है ना, तो उसको होल्ड करने के लिए द वॉल्स हैज़ टू बी
इलास्टिक, उसकी वॉल्स काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। अब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए जो ये आर्टरीज होती हैं ये होती हैं डीप सीटेड। ये आपको ऊपर बॉडी में जो दिखती हैं ये वेन्स होती हैं, ये आर्टरी नहीं होती। आर्टरी हमारी बॉडी में डीप सीटेड होती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और अगर मान लो छोटा सा भी एक कट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो तो हो गया थिक और इलास्टिक, सॉरी, ये होती हैं डीप सीटेड, डीप सीटेड होती हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला कि आर्टरीज है क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्यों? क्योंकि इन्हें ब्लड क्या करना है, हर एक बॉडी पार्ट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्या कर रही है, हर एक बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए हम आर्टरी को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो वेन्स है उसका काम एकदम ऑपोजिट है। वेन्स क्या कर रही है, देखो बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जा रही है। हर वो ट्यूब जो ब्लड हार्ट तक लेके आएगी उसको हम बोलेंगे वेन। तो क्या है ये, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या करेंगे, इट ऑलवेज कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये हमेशा हार्ट तक ब्लड को लेके जाएंगी। अब जो हमने पल्मोनरी आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी जो एक एक्सेप्शन था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, इट इज़ द ओनली एक्सेप्शन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बींग आर आर्टरी इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो जो आर्टरी से ब्लड दूर लेके गया था हार्ट से, कहाँ तक, लंग्स तक। अब लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा बिकॉज लंग इज अ प्यूरिफिकेशन सेंटर, तो लंग से ब्लड लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी एक्सेप्शन क्या हो गया यहाँ पे, पल्मोनरी वेन। अभी ये वेन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफाई करके लंग्स से कहाँ तक लेके आ रही है, हार्ट तक लेके आ रही है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है, इसलिए ये वेन है। और ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि वो कहाँ से लेके आ रही है, लंग्स से। लंग्स में प्यूरिफाई हो गए ब्लड, अब कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, अब ये जो वेन्स होती हैं इनके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, इसमें प्रेशर काफ़ी नहीं होता है। जैसे आर्टरीज में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सर्ट, जब इसमें प्रेशर एक्सर्ट करता है तो एक बार में एओर्टा से सारा का सारा ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाता है, एओर्टा विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। एओर्टा सबसे बड़ी आपकी क्या है, आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा। और सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, सुपर वेना कावा, या कह सकते हैं वेना कावा, क्योंकि वेना कावा दो टाइप की होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट वेन है, क्योंकि क्या कर रही है, वो सारे बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके और हार्ट तक लेके आ रही है। ठीक है, तो वेना कावा क्या हो गई, लार्जेस्ट वेन हो गई। अब हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है तो क्या वॉल्स की ज़रूरत है, एग्जैक्टली है। अगर प्रेशर कम होगा, कोई चीज़ में कम प्रेशर से फेंकूंगी तो वो है यहीं गिर जाएगी, अगर मैं हाई प्रेशर से फेंकूंगी तो दूर तक जाएगी चीज़, लेकिन अगर कम प्रेशर से, प्रेशर लो रहेगा तो चीज़ वहीं फॉल हो जाएगी, बैक फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें बैक फ्लो को रोकना है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्स की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या, देखो प्रेशर क्या है, लो है, तो वॉल्स कैसी होंगी, थिन होंगी, ज़्यादा थिक वॉल्स या इलास्टिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो क्या होती है, कंपैरेटिवली ये थिन होती हैं एंड लेस इलास्टिक होती हैं। क्यों होंगी लेस इलास्टिक, क्योंकि इतना ज़्यादा इलास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर इसमें काफ़ी ज़्यादा लो होता है। अब ये जो वेन्स होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, ये वेन्स आपकी सुपरफिशियल होंगी, क्यों, क्योंकि जो वेन्स हैं ये इसमें प्रेशर कम है, अगर हल्का सा कट भी लग जाता है तो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। तो जो हमारे इंजेक्शंस लगते हैं वो हम वेन्स में ही लगाते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल होते हैं, आपको अंदर आर्टरीज में इंजेक्शंस नहीं लगते हैं। तो कहाँ लगते हैं, अप्लाई इंजेक्शंस इन वेन्स, इंजेक्शंस आर अप्लाइड इन वेन्स। ठीक है, तो आपको अब आपको ये क्या समझना है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल, क्यों, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल, क्यों, क्योंकि इसको पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ तक लेके जाना है, हार्ट तक लेके जाना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल। ठीक है,
ठीक है। तो होपफुली आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आर्टरीज और वेन्स का क्या रोल है। सिर्फ दोनों में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, बट ये पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन और पल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी फुल वीडियो विथ फुल डिस्क्रिप्शन ईजिली मिल जाएंगी, तो आप उसमें जा सकते हैं और अगर उसमें यस यू कैन दिव्या मिश्रा लगा देंगे तो एक्जैक्टली आप मेरी वीडियो तक पहुँच जाएंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।